गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम फाइबर और फैब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सिंथेटिक फाइबर एक चैप्टर है जो आपका, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लांट्स। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लांट्स, छोटी क्लासेस में हमने फाइबर एंड फैब्रिक्स के बारे में पढ़ा होगा। फाइबर क्या होते हैं एक बार हम रिपीट करेंगे दोबारा। फाइबर क्या है? एक फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक कह सकते हो मटेरियल है, ठीक है, विच इज यूज टू मेक फैब्रिक, जो फैब्रिक को बनाने के लिए यूज किया जाता है वो क्या होता है? फाइबर। फाइबर का यूज किस लिए होता है? फैब्रिक्स को बनाने के लिए, ठीक है। अब आप फैब्रिक के बारे में बात करेंगे तो फाइबर्स को जरूरी नहीं है फैब्रिक में यूज किया जाए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं या बहुत सारी चीज़ें जिनमें क्या होता है, फैब्रिक यूज होता है या फाइबर यूज होता है, ठीक है। कौन कौन से आइटम बनाए जाते हैं, जैसे हमने अभी तो फैब्रिक की बात की तो क्लोथ्स की बात आती है दिमाग में, क्लोथ्स बनाए जाते हैं, लेकिन रस्से भी बनाए जाते हैं, ठीक है, जाल भी बनाए जाते हैं, तो वो भी किससे बनाए जाते हैं? फाइबर से ही बनाए जाते हैं। अब टाइप ऑफ फाइबर सबसे पहले हमें पढ़ना होगा कि फाइबर जो, तो हमने बता दिया क्या होता है, टाइप ऑफ फाइबर होगा नेक्स्ट, टाइप ऑफ फाइबर। टाइप ऑफ फाइबर की बात आती है तो टाइप ऑफ फाइबर में हम पढ़ेंगे सिर्फ टू टाइप्स के फाइबर। कितने टाइप्स के? टू टाइप्स के। मेनली जो टाइप ऑफ फाइबर होते हैं टू होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है नेचुरल फाइबर, ठीक है। सेकंड वन इज ह्यूमन मेड बोलेंगे या और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर के बारे में आपने पढ़ा, नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं? नेचुरल फाइबर जो मतलब पहले से ही, जिनको ह्यूमन बींग्स ने नहीं बनाया, ठीक है, वो प्रेजेंट थे नेचर में पहले से, ठीक है, और उन्हें प्लांट से गेट किया जाता है, या तो प्लांट से लिए जाते हैं नेचुरल फाइबर या एनिमल से। प्लांट से कौन कौन से लिए जाते हैं? प्लांट्स की बात आती है तो जूट का आपने नाम सुना होगा, कॉटन प्लांट का नाम सुना होगा, ठीक है। तो अगर इसको, इसकी डेफिनेशन अगर हम बोलें, अगर इसको डेफिनेशन में डिफाइन करना चाहें या इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? फाइबर दैट कैन बी ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी वो या तो प्लांट से प्राप्त किया जाए या एनिमल से। अब प्लांट्स की बात करें तो एग्जाम्पल आप लिखेंगे इसका, जूट, कॉटन, सिल्क। सिल्क एनिमल फाइबर हो जाएगा, फिर आ जाएगा जूट, कॉटन, सिल्क, वूल, जो हमें गोट से यानी बकरी से प्राप्त होती है, ठीक है, या फिर याक से भी मिलती है वूल, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ये नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं? तो प्लांट से मिलने वाले हमने जूट और कॉटन है, जो जूट प्लांट से जूट मिलता है और कॉटन प्लांट से कॉटन। कॉटन ऑब्टेंड करते हैं कॉटन बॉल से, आपने देखा होगा कपास जिसको बोलते हैं हम, कॉटन बॉल्स होते हैं, उनके अंदर से हम क्या करते हैं कॉटन को बाय हैंड पिकिंग मेथड से उसको निकाल लेते हैं उसके अंदर से। सिल्क के लिए आपने सुना होगा सिल्क वॉर्म, इसको सेरिकल्चर बोलते हैं, ठीक है, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज सेरिकल्चर। सेरिकल्चर के बारे में पढ़ रखा होगा। वूल आपको पता है रियरिंग ऑफ शिप या गोट या यॉक, उनके बाल शियरिंग करके तो ये होता है, उसको शियरिंग बोलते हैं, यानी उनके ऊपर के जो बाल हैं उनको काट लिया जाता है, फिर उनको वॉशिंग करके और
ऊन बना दी जाती है इनकी, इसलिए ये ज़्यादातर वार्मर उसमें रीजन्स में यूज किया जाता है। अब सिंथेटिक फाइबर्स क्या की बात आती है, नेक्स्ट हमारा है सिंथेटिक फाइबर। जैसे पता चल रहा है नाम से ह्यूमन मेड, ह्यूमन मेड यानी मनुष्यों द्वारा बनाए गए, जो नेचर में प्रेजेंट नहीं थे, ठीक है, उनको किससे बनाया, केमिकल्स यूज करके, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे द फाइबर इज मेड अप बाय केमिकल, ठीक है, किसके द्वारा, या द फाइबर मेड अप यूज बाय यानी बनाए गए किससे, केमिकल से बनाए गए हैं, ठीक है। इस और कहाँ बनाए जाते हैं, इंडस्ट्रीज में, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, ह्यूमन मेड बोलेंगे या सिंथेटिक फाइबर, यानी ये नेचर में पहले से प्रेजेंट नहीं थे, हमने इनको क्या क्या बनाया है, अपने केमिकल्स यूज करके हमने इनको कच्चा मटेरियल लेकर के फिर इसको हमने बनाया है। इनकी बात करें तो सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो रेयन, ठीक है, नायलॉन ईटीसी, दो नाम इसके हैं, याद कर लेंगे अभी, ठीक है, या पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है, ये क्या है, पेट्रोकेमिकल्स भी बोल सकते हैं इनको। पेट्रोकेमिकल्स की बात करें फिर इसके बाद आता है एक फाइबर जो हमने छोटी क्लास में तुमने पढ़ा होगा कि मिक्स्ड फाइबर का नाम आता है, मिक्स्ड फाइबर, ठीक है, वैसे तो वो इसी का पार्ट है लेकिन वो टाइप ऑफ फाइबर्स में नहीं पढ़ा जाएगा, उसको हम अलग से पढ़ेंगे, मिक्स्ड फाइबर जो होता है, ठीक है, मिक्स्ड फाइबर होता है जो उसमें नेचुरल फाइबर भी यूज किए जाते हैं और सिंथेटिक फाइबर भी यूज किए जाते हैं, उनको मिक्स करके, यानी दोनों की प्रॉपर्टी उनके पास होती है, उनके पास नेचुरल की भी प्रॉपर्टी मिलेंगी आपको और उनके पास सिंथेटिक फाइबर की प्रॉपर्टी भी मिलेंगी। उसके बाद आता है पॉलीमर, नेक्स्ट हमारा आएगा पॉलीमर। पॉली और पॉलीमर्स, पॉलीमर आपने देखा होगा, हम जो ज्वेलरीज पहनते हैं उनमें छोटे छोटे बीड्स होते हैं जिनको हम मन के बोलते हैं, ठीक है, मोती, आपने कभी ध्यान से उनको देखा हो तो उसके अंदर एक छोटे छोटे रेशे से जुड़े होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, उनको एक चेन में बांध रखा होता है, यानी जुड़ा होता है ना रेशे से, मतलब एक बीड्स फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, इस प्रकार वो आपने देखा होगा बहुत सारी चेन सी बनी होती है उसमें, ठीक है, जो जॉइंट होती है किसी ना किसी थ्रेड से लगा लो या किसी मेटल की कोई उससे, उनको जॉइंट किया जाता है। तो इस प्रकार क्या हो जाता है, एक लंबी सी क्या बन जाती है, चेन बन जाती है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ बीड्स हैं, वो क्या है, एक दूसरे से ज्वाइन किए, किससे, या तो किसी चेन से या किसी थ्रेड से हमने उनको क्या कर रखा है, इकट्ठा बांध रखा है। तो जो पॉलीमर है वो क्या है, ग्रुप है किसका, मोनोमर का। अब मोनोमर क्या होता है, यानी एक स्मॉल यूनिट, यानी जो बीड्स की हमने बात की, मान लो जो माला के अंदर जो मोती है, ठीक है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, मान लो ये कोई भी माला है, इसमें एक दूसरे से कनेक्टेड है, अगर इसकी एक सिंगल यूनिट, यानी एक सिंगल यूनिट हमने बाहर निकाल ली, यानी ये बीड्स हमने अलग से ले लिया, तो इसको क्या बोलेंगे, यह एक स्मॉलेस्ट यूनिट किसकी, पॉलीमर की, यानी एक पॉलीमर किससे बना हुआ है, मोनोमर से मिलकर बना हुआ है, तो ये स्मॉल यूनिट है उसको क्या बोलेंगे, मोनोमर, यानी अकेले को अगर बात करें बीड्स की तो ये मोनोमर है, लेकिन अगर इस पूरे की बात करें तो इसको इकट्ठा जो मोनोमर से जो मिलकर बनता है वो क्या बनता है, पॉलीमर, ठीक है, और मोनोमर जो है वो क्या है, स्मॉल एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, विच कैन कंबाइन टूगेदर एंड फॉर्म ए चेन एंड टू एंड, यानी हर एक हिस्से से एक हिस्सा जुड़ा हुआ है जिससे क्या बन गई, एक चेन बन गई, उस चेन को क्या बोलेंगे, पॉलीमर बोलेंगे। अब इसमें ये तो हमने बीड्स का एग्जांपल ले लिया, आपने चेन देखी होगी जो हम बेसिकली गले में पहनते हैं, वो ऐसे कनेक्टेड होती है एक दूसरे से, यानी एक जो हिंदी में उसको कड़ी बोलेंगे, ठीक है, एक कड़ी दूसरे से कनेक्टेड है, इस प्रकार ये चेन बना रही है। तो मोनोमर क्या होता है, यहाँ पे मोनोमर का स्मॉल यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, स्मॉल यूनिट ऑफ
मोलिक्यूल है, मोलिक्यूल की स्मॉल यूनिट, ठीक है, छोटी यूनिट क्या होगी, मोनोमर, और लार्ज यूनिट है जो एंड टू एंड की एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी जॉइंट टूगेदर, लार्ज नंबर ऑफ ऑफ मोनोमर्स, मोनोमर जॉइन एंड टू एंड टूगेदर टू फॉर्म ए पॉलीमर, यानी जब लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स को एक एंड टू एंड ज्वाइन किया जाए तो क्या बन जाएंगे, पॉलीमर बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, पॉलीमर। और ये सब क्या है, पॉलीमर और मोनोमर दोनों क्या है, ठीक है, दोनों एक प्रकार से क्या है, यूनिट है, ठीक है, यूनिट है, पॉलीमर सिंगल यूनिट को बोल सॉरी मोनोमर उसकी स्मॉल यूनिट है, और पॉलीमर एक से ज्यादा, ठीक है, पॉलीमर कहलाएगा। इसका जो पॉलीमर जो शब्द है, ठीक है, उस ग्रीक वर्ड है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है, और मर्स का मतलब रिपीटिंग यूनिट, यानी पॉलीमर क्या हो जाएगा, पॉली का मतलब बहुत ज्यादा, और मर्स का मतलब रिपीटिंग यूनिट, यानी एक ही चीज की यूनिट बार बार रिपीट की जाए तो क्या हो जाएगी, पॉलीमर हो जाएगी, ठीक है। अब पॉलीमर की जो प्रोसेस है, मतलब ज्वाइन अब चेन है उसको कंटिन्यूस क्या हो रहा है, एक मान लो पहले हमने प्रोसेस ज्वाइन किया, एक से दूसरा ज्वाइन किया, दूसरे से फिर इस प्रकार लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा जोड़ दिया जाए, ठीक है, अगर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक साथ इकट्ठा जोड़ दिया जाए, ठीक है, एंड टू एंड, तो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, पॉलीमराइजेशन, क्या बोलेंगे, पॉलीमराइजेशन बोलेंगे। पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल फाइबर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नेचुरल फाइबर की, जैसे हमने बताया प्लांट से मिलकर बनता है नेचुरल फाइबर, ठीक है, नेचुरल फाइबर किससे मिलता है, प्लांट से, नेचुरल फाइबर किससे मिलता है, प्लांट से। अब नेचुरल फाइबर क्या करता है, पॉलीमर है एक प्रकार से, ठीक है, कॉटन फाइबर क्या है, पॉलीमर है, क्योंकि उसमें देखा होगा आपने रेशे एक दूसरे से अंदर मिक्स हो होते हैं, अकेला रेशा नहीं होता, उसमें बहुत सारे रेशे होते हैं, ठीक है, वो किससे बनते हैं, सेलुलोज से बनते हैं, किससे बनते हैं, सेलुलोज से बनते हैं, ठीक है, सेलुलोज से बने हुए होते हैं। अब सेलुलोज किससे बनता है, लार्ज नंबर मतलब ग्लूकोज से बनता है, यानी बहुत सारे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज अप टू सोन, यानी ग्लूकोज इससे क्या बनता है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये भी पॉलीमराइजेशन में ही हो रहा है ना, पॉलीमर्स यानी जॉइंट एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो रहे हैं। इसी प्रकार अगर जो पॉलीमराइजेशन जो है, ठीक है, रिपीटेड पॉलीमराइजेशन किससे होता है, अमाइड मॉलिक्यूल से, नायलोन किससे बना होता है, नायलोन की बात करते हैं हम नेक्स्ट, ये तो हमने नेचुरल फाइबर की बात कर ली, ये किससे बना होता है, ग्लूकोज से। अब बात करते हैं नायलोन की, नायलोन किससे बना होता है, अमाइड मॉलिक्यूल्स के पॉलीमराइजेशन से बनता है, ठीक है, पॉलीमराइजेशन ऑफ नायलोन क्या होता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइड मॉलिक्यूल्स। बात करें तो आपसे पूछा जाए मोनोमर ऑफ या अमाइड मॉलिक्यूल्स किसका है, तो क्या बोलेंगे, नायलोन का, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पॉलीमराइजेशन, हो गया यहां तक पॉलीमराइजेशन तक किसी को समझ में ना आया हो तो, यानी जैसे हमने आप ग्लूकोज से ग्लूकोज को अटैच्ड किया तो क्या बना, सेलुलोज बना, उसी प्रकार सिंथेटिक फाइबर की बात की जाए तो नायलोन में अमाइड मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, यानी अमाइड मॉलिक्यूल्स है उनको जॉइन टू एक से दूसरे इस प्रकार रिपीट करेंगे तो क्या बनेगा, नायलोन बन जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया सभी को, अच्छा। पॉलीमर जो है उसके मोनोमर्स क्या है, एक दूसरे से लिंक होते हैं, किसमें, अरेंजमेंट, यानी अरेंज किए जाते हैं ना सीरीज में, ठीक है, तो अगर उनको एंड टू एंड ऐसे जोड़ा गया है बाई चांस, यानी यहां से इसको इसको अटैच, इनको अटैच्ड किया गया है, ठीक है, एक ही लाइन में, तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलीमर्स
पॉलीमर कहेंगे, क्या कहेंगे? लीनियर पॉलीमर, ठीक है, इसको बोलेंगे लीनियर पॉलीमर, ठीक है, लीनियर पॉलीमर्स बोला जाएगा इसको। अगर जो मोनोमर्स हैं वो एक दूसरे से क्रॉस लिंक्ड हैं, कैसे हैं? क्रॉस लिंक्ड हैं, यानी क्रॉस लिंक्ड का मतलब इसमें तो सिंगल था, अब इसको बात किया जाए, मान लो ये ऐसे, इन दोनों को अटैच कर दिया, ये इससे इस प्रकार, यानी अटैच्ड हो गई और ये सीरीज बढ़ती जा रही है आगे नीचे, ठीक है, इस प्रकार सीरीज बढ़ती जा रही है, तो ये क्या हो गया, एक दूसरे से क्रॉस लिंक हो गए ना, अटैच्ड है ऊपर नीचे दोनों दाएं बाएं से एक दूसरे में, तो इसको क्या बोलेंगे, जब जो अरेंजमेंट है मोनोमर का वो क्रॉस लिंक्ड हो एक दूसरे से, तो उसको बोलेंगे क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, ठीक है। जो कपड़ा है, हम देखते हैं कपड़े में आपने देखा होगा रेशे जो हमारे एक दूसरे से कैसे हैं, क्रॉस लिंक है। अब टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर के बारे में नेक्स्ट हमारा आएगा, पॉलीमर्स लीनियर पढ़ लिया हमने और कौन सा आ गया, क्रॉस लिंक्ड, ठीक है, लीनियर भी पढ़ लिया हमने और क्रॉस लिंक्ड भी पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, क्या आएगा, टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब टाइप कौन कौन से होते हैं सिंथेटिक फाइबर का, पहला सिंथेटिक फाइबर जैसे बताया था हमने, बहुत सारे फाइबर्स के बारे में पढ़ा आपने, रेयन, नायलॉन, पॉलीमर, ठीक है, एक्रिलिक, ठीक है। अब पहला आता है रेयन के बारे में पढ़ेंगे, पहले क्या होगा, पहला जो है रेयन, रेयन क्या है, रेयन वुड पल्प से बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, वुड पल्प से, इसको अल्कलाइन सॉल्यूशन में क्या किया जाता है, डिप किया जाता है और इसके पोर्स के अंदर तीन ही जो पोर्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, फाइबर्स में, ठीक है। क्या करते हैं, पहले वुड पल्प को क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन में, ठीक है, वुड पल्प को इसमें डिजोल्व करके फिर क्या हो जाता है, जो सॉल्यूशन है वो उसको थ्रो टिनी पोर्स के अंदर से गुजार दिया जाता है, पास आउट कर दिया जाता है, और इस प्रकार क्या हो जाता है, फिर बाद में इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, ठीक है, ताकि ये क्या हो जाए, हार्ड हो जाता है, इस प्रकार फिर इसको काट करके उसके बाद वोवन करके इसका क्या बनाया जाता है, फैब्रिक बनाया जाता है, इसको रिजेंबल सिल्क, यानी दिखने में बिल्कुल कैसा होता है, सिल्क जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है, क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं, यानी नकली। कई बार क्या करते हैं लोग, इसमें इतनी समानता है कि जिस आदमी को पता नहीं है रियल में सिल्क कैसा होता है, ठीक है, सिल्क की जिसको पहचान नहीं है, तो काफी बार जो हम धोखा खा जाते हैं कि ये सिल्क है या ये रेयन है, क्योंकि दिखने में बिल्कुल इसकी अपीयरेंस है वो कैसी है, सिल्क के जैसी है, और ये सिल्क से काफी सस्ता भी है, ठीक है, इसलिए इसको इजीली डाई करके अलग अलग कलर्स में, मतलब डाल दिया जाता है अलग अलग कलर्स में, इसको अट्रैक्टिव कलर्स इसके होते हैं, आपको पता है अट्रैक्शन के लिए बहुत अच्छा उसमें यूज होता है। तो जो सिंथेटिक फाइबर्स और नेचुरल फाइबर में डिफरेंस क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स क्या है, थोड़े से चीपर है, यानी सस्ते मिल जाते हैं, तो सिल्क थोड़ा कॉस्टली है, इसलिए ज्यादातर लोग सिल्क की जगह रेयन को यूज कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो है वुड पल्प से बनता है, ठीक है, जैसे हमने बताया, तो ये क्या करता है, इट अब्सॉर्ब स्वेट, यानी ये पसीने को भी सोख लेता है और कंफर्टेबल हो जाता है इन समर्स, वार्म नहीं होता, कंफर्टेबली वार्म हो जाता है, यानी समर्स में कब गर्म हो जाता है ये, ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं। अब इसकी यूजेज क्या क्या, कहाँ कहाँ रेयन यूज किया जाता है, सबसे पहले रेयन यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में, फाइबर्स फैब्रिक बनाने के लिए यूज किया जाता है। नंबर दो, रेयन मिक्स्ड विद कॉटन एंड मेक
बेड शीट्स, बेड शीट्स जो बनाए बनी होती हैं हमारी वो किसकी होती हैं, रेयन की। ड्रेसेस, ठीक है, ड्रेस हम पहनते कपड़े उनमें लगा लो। एप्रेंस एंड कैप्स, टोपियाँ वगैरह बनाने के लिए रेयन यूज किया जाता है, ठीक है। रेयन को मिक्स करके वूल के साथ इससे कारपेट्स बनाए जाते हैं। कारपेट्स का मतलब समझते होगे, चटाइयाँ, यस गुड, चटाइयाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। रेयन का यूज टायर्स के कोर्ड है उनको बनाने के लिए यूज किया जाता है। रेयन बैंडेज के लिए, ठीक है, यूज किया जाता है, बैंडेज वगैरह, सर्जिकल जो ड्रेसिंग है वो घाव को साफ करने वगैरह उनके लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। लिंट जिसको बोलेंगे आगे। फिर होता है नायलॉन। नायलॉन क्या है, सिंथेटिक फाइबर है जो किससे टोटली किससे किसने किससे बना हुआ है, वुमेन्स ने बनाया उसको, किससे। और जो नायलॉन का जो नाम है वो न्यूयॉर्क से आया है, ठीक है, न्यू यॉर्क, नायलॉन, न्यू यॉर्क, लंदन, ठीक है। तो पहला के अक्षर इसका और तीन अक्षर इसके, तो क्या बन गया, नायलॉन, ठीक है, इससे लिया गया इसका नायलॉन का, ठीक है। टू सिटीज से मिलकर के नायलॉन का क्या बना है, नाम बना हुआ है। नायलॉन क्या है, नायलॉन एक पॉलीएमाइड फाइबर है। क्या है, नायलॉन एक पॉलीएमाइड फाइबर है जो पॉलीमराइजेशन से बनाया जाता है। जैसे हमने बताया था ना, पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ अमाइड मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन किया जाता है एक दूसरे के साथ, और इसी प्रकार नायलॉन बनाया जाता है। नायलॉन की खासियत क्या है, ये स्ट्रॉन्ग फाइबर है, ठीक है, लस्टरियस है, चमकदार है, ठीक है, हाईली इलास्टिक यानी खींचने से टूटता भी नहीं जल्दी से, ठीक है, हल्का है, लाइट वेट है, ठीक है, इजीली धोने में भी इसको किसी प्रकार की कोई समस्या परेशानी नहीं होती। इसमें किसी प्रकार की सलवटें नहीं पड़ती, नायलॉन में चिकना होता है ना, सलवटें नहीं पड़ती, और ये ना तो ज़्यादा पानी को अब्जॉर्ब करता है, इसी वजह से इसके ऊपर जो फंजाई है, ठीक है, या मौत है वो अटैक नहीं करते। और ये इनसोल्यूबल है, किसमें, किसी प्रकार के कॉमन जो सॉल्वेंट होते हैं ना, कॉमन जो सॉल्वेंट है उनके अंदर ये इनसोल्यूबल है। नायलॉन का यूज किसमें किया जाता है, क्लाइंबिंग जो रोप्स हैं यानी रस्सियां, मजबूती के लिए, जैसे नाम हमने बताया मजबूती के लिए किया जाता है, क्लाइंबिंग रोप्स के लिए, पैराशूट्स, पैराशूट्स यूज किए जाते हैं उनमें, ठीक है, स्ट्रिंग्स, स्पोर्ट्स स्ट्रिंग्स, जैसे बैडमिंटन की जो स्ट्रिंग्स होती हैं, ठीक है, फिशिंग नेट, फिशिंग नेट का मतलब यानी जो मछली पकड़ने का जो जाल होता है ना उसके में इसका होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, क्या है, नायलॉन के यूज में, नायलॉन की शर्ट्स, ठीक है, नेकटाइज, सॉक्स, आपकी जो जुराबे हैं, आपकी शर्ट्स या नेकटाइज, ये टाइज इसको बोलते हैं, गारमेंट्स के बहुत सारे टेक्सटाइल में इसका यूज किया जाता है नायलॉन का। उसके बाद क्या होते हैं, नायलॉन सूट्स बनाए जाते हैं, कारपेट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। नायलॉन का यूज मशीन के जो पार्ट्स हैं, ठीक है, उनमें भी किया जाता है, ठीक है, जैसे पुली है, पुली आती है ना नायलॉन की बनाई जाती है, वॉशर्स है, वॉशर नायलॉन की बनाई जाती है। अब पॉलिएस्टर क्या होता है, वॉशर होती है, नए मशीन वॉशिंग की बात नहीं, वॉशर्स बनती है जो पुली, उसकी भी होती है, नायलॉन की भी बनाई जाती है, पॉलिएस्टर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर के बाद पॉलिएस्टर क्या होता है, हमने बताया जब रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड क्या होते हैं, एस्टर बोलेंगे, रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल्स को क्या बोलेंगे, एस्टर बोलते हैं, पॉली एस्टर, ठीक है। अब एस्टर किसको बोलते हैं, रिपीटिंग यूनिट ऑफ किसकी, केमिकल, केमिकल की यूनिट्स को रिपीट करना क्या हो जाएगा, एस्टर बोलेंगे, ठीक है। इस प्रकार टेरिलीन, डेक्रोन, ये सारे क्या है, सम एग्जांपल ऑफ पॉलिएस्टर फाइबर्स हैं। टेरिलीन फॉर्म टेरिकोट, एंड टेरिकोट किससे, टेरिलीन और कॉटन से क्या बनेगा, टेरिकोट, टेरी वूल, टेरिलीन और वूल से मिलकर क्या बना, टेरी वूल। अब पॉलिएस्टर क्या है,
इसके पतले पतले फाइबर बनाए जा सकते हैं जिनको इजीली काटा जा सकता है। ठीक है, पॉलिएस्टर भी लाइटवेट है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इलास्टिक है, अब्जॉर्ब लिटल अमाउंट यानी थोड़ा बहुत पानी भी सोख लेता है और जल्दी सूख भी जाता है, इसीलिए इसको। और ये भी क्या है, रिंकल रेजिस्टेंट, इसमें रिंकल्स नहीं पड़ते, सलवटे जिनको बोलेंगे, सलवटे इसमें नहीं पड़ेंगे बेटा। पॉलिएस्टर का यूज मैन्युफैक्चरिंग में ड्रेस जो मटेरियल है उनको बनाने में किया जाता है, कुर्शन कर्शंस बोलेंगे जिनको, कर्टेन बोलते हो ना तुम, कर्टेंस, वो इसी से बनते हैं। इस सेल्स सेल बोट्स में जो सेलर्स सेल्स होते हैं वो भी इसी के बनाए जाते हैं। ठीक है, वाटर होसेज इसी के बनाए जाते हैं, फायर फाइटिंग ऑपरेशन में जो यूज किए जाते हैं। पॉलिएस्टर का यूज कन्वेयर बेल्ट्स जो है उनमें भी किया जाता है, कन्वेयर बेल्ट यानी खींचने की, किसी चीज़ को खींचने के लिए बेल्ट लगा के खींचा जाता है ना, वो कन्वेयर बेल्ट्स भी इसी के बन जाते हैं। शर्ट्स, ट्राउजर्स, पैंट जिनको बोलते हैं, ठीक है, और ड्रेस मेटेरियल टेरी वुल यूज टू मेकिंग सूट्स। और टेरी वुल का उपयोग किस में किया जाता है, सूट्स बनाने के लिए भी टेरी वुल का उपयोग किया जाता है। अब आपने एक बोतल का देखा होगा जिस पे लिखा होता है PET, सुना है क्या, क्या होता है, पॉलीथीन टेट्रा फेथेलेट, यानी ये जो बोतल्स बनाई जाती हैं वो इसी से बनाई जाती हैं। ठीक है, पॉलीथीन टेट्रा पैथेलेट, पॉलीथीन टेट्रा फेथेलेट, ठीक है, टेट्रा फेथेलेट बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें बोटल्स बनाई जाती हैं, वाटर बोटल्स जो आप यूज करते हो, ठीक है, जो कि सिंथेटिक फाइबर से मिलकर बनी होती है। अब एडवांटेज ऑफ इसकी सिंथेटिक फाइबर्स और नेचुरल फाइबर्स की एडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस का मतलब क्या क्या लाभ है। अब सबसे पहले सिंथेटिक फाइबर की अब सबसे जो खास बात क्या है, टेंसिल स्ट्रेंथ यानी इसकी जो मजबूती है। ठीक है, इससे क्या है, काफ़ी मतलब हैवी लोडेड जो चीज़ें हैं उनको उठाने में खींचने में ईजिली मतलब ये टूटती नहीं है, ब्रेकेबल नहीं है कंपेरिजन टू नेचुरल फाइबर। सबसे पहला इसका अगर बात किया जाए तो हाई टेंसिल स्ट्रेंथ बोलेंगे इसको, हाई टेंसिल स्ट्रेंथ मतलब इसकी टेंसिल स्ट्रेंथ की वजह से क्या है, मतलब हैवी लोडेड जो चीजें हैं खींचने में ये यूज किया जाता है। ठीक है, इसकी वजह से जो नंबर दो इसकी बात की जाए, नेचुरल फाइबर को अगर हम इस किसी चीज़ को खींचने में तो वो लाइट मतलब इजीली थोड़ा सा हाइट टेंसिल स्ट्रेंथ नहीं होती इसकी, वो टूट जाते हैं, लेकिन सिंथेटिक फाइबर क्या है वो टूटते नहीं। नंबर दो लाइट वेट है, ठीक है, वेट इनका लाइट होता है, ज़्यादा भारी नहीं होते, इजीली मतलब कैरी करने में ले जाने में कोई समस्या है। फिर इसको डाई करके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में ढाला जा सकता है, ठीक, अलग अलग कलर्स में अट्रैक्टिव जो कलर्स हैं उनमें इसको ढाला जा सकता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। फिर आता है एक्राइलिक जो फाइबर्स हैं उनके बारे में, एक्राइलिक फाइबर्स जो हैं वो नेचुरल सोर्सेज से ऑप्टे वूल जो ऑप्टेन की जाती है उसको एक्सपेंसिव है, वो थोड़ी सी क्या है, एक्सपेंसिव है, और उसके जो क्लॉथ्स हैं फाइबर्स वो रिलेटिवली चीप हैं एक्राइलिक फाइबर्स के, दिखने में तो मतलब नेचुरल फाइबर्स के जैसा, लेकिन वो एक्राइलिक फाइबर्स हैं वो क्या है, इसका यूज किस में किया जाता है, शॉल्स वगैरह बनाने में, स्वेटर्स वगैरह में, ब्लैंकेट्स में, जैकेट्स में, किसका उपयोग किया जाता है, एक्राइलिक फाइबर का यूज किया जाता है। अब लो अब्जॉर्प्शन ऑफ की बात करते हैं, लो अब्जॉर्प्शन की बात कर रहे थे, जैसे हम लो अब्जॉर्प्शन की बात आती है, सिंथेटिक फाइबर क्या है, बहुत ही कम मात्रा में पानी को अब्जॉर्ब करते हैं, इसकी वजह से लगा लो ये है, ड्यू टू दिस इस जो वेट क्लोथ्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर जल्दी से सूख जाते हैं। आपने कंपेरिजन देखा होगा जो नेचुरल जो फाइबर से बने कॉटन के जो क्लोथ्स हैं उनको सूखने में थोड़ा टाइम लगता है, इन द सेम सेंस अगर सिंथेटिक फाइबर की बात की जाए तो वो जल्दी रैपिडली सूख जाते हैं, इसीलिए एक इसकी एडवांटेज ये भी है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट आती है इसकी इलास्टिसिटी, ठीक है, इलास्टिसिटी क्या है, मतलब ज़्यादातर सिंथेटिक फाइबर हैं वो इलास्टिक है, ठीक है, इलास्टिक है, फ्लेक्सिबिलिटी इसकी अच्छी है जिसकी वजह से इस ये फोर्स को जो अप्लाइड फोर्स है उसको इजीली
रिगेन कर लेती है, अपने ओरिजिनल शेप में दोबारा आ जाती हैं सिंथेटिक फाइबर में, ठीक है। तो ये क्या इसकी एडवांटेज है। फिर रिंकल रेजिस्टेंस, यानी इसको प्रेस कर करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपने धोया इसमें किसी प्रकार की सलवटें नहीं पड़ती हैं जल्दी से, इसको क्रम करके रिंकल्स फ्री है, यानी इसको बार बार यूज किया जा सकता है तो क्रम्प इसमें नहीं गिरेंगे, ठीक है। फिर मोथ रेजिस्टेंस, मोथ रेजिस्टेंस की बात क्या है, मोथ रेजिस्ट यानी मोथ का मतलब होता है इनके ऊपर जो कीड़े हैं वो अटैक नहीं कर पाते, ठीक है, जो नेचुरल फाइबर के ऊपर बहुत जल्दी करना स्टार्ट कर देते हैं। लाइट वेट, इनका वेट जैसे हमने बताया था बहुत ही हल्का होता है, जिसकी वजह से इजीली इनको लाना ले जाना या उठाना आसान है, इन द मतलब नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन किया जाए तो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो क्या है, इनर्ट एंड इनर्टनेस, किससे, नेचुरल फाइबर से इनर्टनेस इनकी अच्छी है। लेस एक्सपेंसिव है, यानी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, यानी जिस रेट में आपको, रेंज में आपको जो नेचुरल फाइबर हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, उस रेंज में आपको इजीली जो सिंथेटिक फाइबर हैं वो मिल जाते हैं, ताकि आप जो है मतलब इसको, इसके लेस एक्सपेंसिव होने की वजह से ज़्यादा मात्रा में हम किसका यूज करते हैं हमारे डेली लाइफ में, हमारे पास नेचुरल फाइबर के बजाय हम सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें इस मार्कर की, ये क्या है, प्लास्टिक है, ठीक है, एक प्रकार से प्लास्टिक का है, तो बना तो ये उसी से है, ठीक है, केमिकल से यूज से बना हुआ है, ठीक है, केमिकल के यूज से बनाया गया है।